हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियोज़. थैंक यू सो वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड कमेंटिंग डाउन द वीडियोज़. अब जो मैं वीडियो आपके सामने बनाने जा रही हूँ, ये काफ़ी लोगों के एक क्वेश्चन हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं. एंड उनमें से एक क्वेश्चन है कि किसी को विजिट वीज़ा मिल चुका है एंड उनकी फियोन्सी जो हैं या उनकी गर्लफ्रेंड जो हैं या फिर वो कनाडा में ऑलरेडी स्टडी वीज़े पे हैं, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि विजिट वीज़े पे अगर वो चले जाएं एंड ऑलरेडी उनकी फियोन्सी या गर्लफ्रेंड जो है कनाडा में स्टडी वीज़े पे हैं, तो क्या उनका वीज़ा वहाँ जाकर उतना एक्सटेंड हो जाएगा जितनी लंबे टाइम के लिए उनकी फियोन्सी का वीज़ा है. तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये कहती हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा एंड ये ट्रस्ट किया कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ. तो सबसे पहले ये जवाब मैं अपने हिसाब से सोच के ये कहती हूँ कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पर जाते हैं, तब भी कई बार स्टूडेंट्स के स्पाउस को वीज़ा नहीं मिलता. बहुत ही कम वीज़ा रेट है कनाडा का स्पाउस का. एंड अगर आपके पास भी वीज़ा है एंड आपके स्पाउस ऑलरेडी सॉरी आपके फियांसी ऑलरेडी कनाडा में हैं, तो आप अगर वहाँ जाके मैरिज करना चाहते हैं, तो मेरी सजेशन आपको ये है कि कनाडा का रूल ये है कि अगर मास्टर्स लेवल का यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स करने आपके स्पाउस आते हैं एंड उनके जो डिपेंडेंट हैं या स्पाउस हैं वो उनको ज्वाइन करते हैं, तो उनको ओपन वर्क परमिट मिलता है एंड उतने ही टाइम का वीज़ा मिलता है जितना कि स्पाउस का वीज़ा होता है, 2 साल 3 साल जितने अभी उनकी होती है. एंड उसके बाद 2 साल का एक्सटेंशन मिलता है वर्क परमिट के लिए, जॉब सर्च के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए, तो वो भी साथ में ही एक्सटेंड होता है. स्पाउस को ये परमिशन होती है कि वो कहीं पे भी काम कर सकते हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. पर आपके केस में ऐसा है कि अगर आप वहाँ जाके मैरिज करते हैं, तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको रजिस्टर्ड मैरिज करना पड़ेगा, ताकि आप, क्योंकि रिलीजियस मैरिज को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता. रजिस्टर्ड मैरिज जो होती है वो 30 डेज पहले आपको पहले रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद आपकी मैरिज होगी. एंड जो मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के साथ आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आपकी स्पाउस यहाँ हैं एंड आप जो है इनके साथ कंपेन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं. तो ये उस टाइम इमिग्रेशन ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर जो आपके केस कंसिडर करेगा, उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको वहाँ पर रहने की परमिशन देते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको उतना ही वीज़ा मिलेगा. पर अगर वो इस बात को ना माने कि आपका जो है इंडिया जाना पड़ेगा, वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये उसी टाइम उसके डिसीज़न पे डिपेंड करेगा. पर उनका जो भी डिसीज़न होगा, आप अपील कर सकते हैं एंड आप जो है वहाँ पे रह सकते हैं. ये आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो हासिल कुछ नहीं होगा, पर आपको कोशिश कर लेनी चाहिए. कई केसेस में ऐसा होता भी है. एंड जो कनाडा का रूल है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड फॉर योर फ्यूचर. कोशिश करना ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं करने जा रहे. आप जो भी करने जा रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही है, आपको ट्राई करनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको यही कहेंगे कि आप इंडिया जाके वीज़ा अप्लाई करें, तो उसके लिए भी मुझे कोई ख़राबी नहीं लगती, क्योंकि दुनिया का कोई भी कानून, अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो उन्हें अलग नहीं कर सकता. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.